अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ महरीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महरीन अब्बासी व्लॉग्स तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ जो है हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है और आज कोई डिफरेंट करने का चाहा तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को कुछ नया नाश्ता दिया जाए एक ही अंडा पराठा खा खा के वो तो बोर नहीं हुए पर मैं बोर हो गई थी और बच्चों का ये है कि बच्चे कभी भी पराठों से बोर नहीं होते चाहे सर्दी हो गर्मी हो और एटलीस्ट मेरे बच्चे तो यकीन जानिए नहीं होते तो मैंने सोचा आज मैं ये खिला दूँ तो वो राज़ी हो गए खैर कि हाँ हाँ मम्मा आप ये खिला दें वरना कभी फरमाइश नहीं करते मेरे शायद थोड़े से ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं कि कभी किसी चीज़ पे ज़िद नहीं करते और ना ही कोई एक्स्ट्रा फरमाइश करते हैं तो अलहमदिल्ला मैं इस मामले में थोड़ी सी ब्लेस्ड हूँ कि कुछ भी रख दिया जाए वो लोग खा लेते हैं हाँ बस शोरबा होना चाहिए बाकी अदरवाइज़ उनको ना चावल पसंद है और बस रोटी और शोरबा शौक़ से खा लेते हैं तो बस यहाँ जो है ये न्यू जो है न्यू टाउन डेरी का जो है मक्खन मैंने पूरा ख़त्म हो गया है जैसे कि आपने देख लिया और ये यकीन जाने जैसे ही हमारा दूसरा ब्लू बैंड मक्खन है वैसे ही होता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये औरिजनल मक्खन है तो इसीलिए मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि नेक्स्ट टाइम आप ब्लू बैंड लाने के बजाय आप यही ले आइएगा क्योंकि उसके ऊपर तो मार्जरीन लिखा हुआ होता है और मार्जरीन जो है वो एटलीस्ट हम मक्खन तो खा रहे हैं मार्जरीन का तो कुछ भरोसा ही नहीं है वो तो मक्खन है ही नहीं ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम तो बस फिर मैंने सोचा कि आज से मैंने यही वाला मक्खन मंगवाना है तो बस यहाँ फिर जोहर का टाइम हो गया बच्चे चले गए थे मदरसे और फिर मैंने नमाज वग़ैरह पढ़ी कुरान पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि आज तो मैंने इनको बर्गर वगैरह बना के दे दिए और बनाना शेक भी बना के दे दिए अब प्लस मुझे और क्या क्या काम करने हैं क्योंकि उनके आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ खाने का रेडी करके रखना पड़ता है क्योंकि जैसे ही आते हैं मैं फ़ौरन उनको खाना देती हूँ तो चले मैंने सोचा चलो सालन रेडी होगा तो रोटी की खैर है फटाफट हो जाएगा तो यहाँ जो है बर्तन धो के गई थी वो सारे समेटे सफ़ाई वग़ैरह कर ली थी सारा काम कंप्लीट कर लिया था नमाज़ से पहले और ये ढाई बजे का वक्त था और बस मैं यहाँ आपने जो तमाम काम है दूसरे वो समेट रही थी लेट नाइट हम लोग सोते हैं तो सुबह दस साढ़े दस ग्यारह बजे तक हम उठते हैं तो बस जो है हमारी आजकल रूटीन जो है वो कुछ अपसेट हुई हुई है और बस यहाँ जो है मैंने सोचा झटपट सी कोई रेसिपी बनाती हूँ क्योंकि आज जो है मेरा मूड नहीं हो रहा था कुछ खास पकाने को तो बस मैंने सोचा अंडे वाले कोई शोरबा बना लेती हूँ और बिल्कुल इजी है यकीन जानिए पंद्रह मिनट में बन जाता है फटाफट अंडे बॉईल करने हैं और मसाला जो है वो फ्राई करके उसको ग्राइंड करके जो डालना है वो मैं आपसे रेसिपी आगे शेयर करती रहूँगी तो यहाँ जो है आपने देख लिया होगा कि जो मैंने थमनेल पर लिखा है कि माई लास्ट ब्लॉग और यकीन जानिए यूट्यूब का सफ़र बहुत बहुत मुश्किल है यूट्यूब पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि ये इतना आसान नहीं है जितना कि लोगों को नज़र आता है और लोग मुझे पता है कोई ख़ास अच्छी नज़र से व्लॉग्स को और इन चैनल्स को कुछ पसंद भी नहीं करते इनके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं पर मैं अपनी स्ट्रगल बताऊं आपको तो मेरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है बहुत बहुत ज़्यादा है मतलब जो शायद यूट्यूब पे काम कर रहे हों वो ही मेरी बात समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल होती है एक वीडियो के पीछे आपको नहीं पता कि क्या क्या पॉइंट देखने पड़ते हैं और ये वीडियो आपको जस्ट लग रहा होगा कि बस एक आधे घंटे में खाना पकते हुए ये वीडियो बन गई है पर इसके पीछे मेरी इतनी मेहनत है ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कम से कम तीन से चार घंटे की मेहनत है जो आप लोगों के सामने आ रही है तो YouTube का सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं था और मैं जो अपना लास्ट व्लॉग आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी और चैनल मोनिटाइज़ कराना वीडियोज़ बनाना और एक पॉजिटिव वे में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वीडियोस बनाना और मतलब ऐसी चीज़ कि मैं आपको पता है हाउस वाइफ जो होती हैं वो घर के अंदर ही होती हैं ज़्यादातर और मोस्टली उनको घर के अंदर ही रहते हुए काम करना पड़ता है और मेरा तो यही है कि मेरे हस्बैंड लेट नाइट आते हैं आठ बज जाते हैं तो वो हमारा पॉसिबल भी नहीं है कि हम बाहर जाके व्लॉगिंग करें तो घर में ही रहते हुए लोगों को पसंद आई मेरी वीडियोस तीन चार मेरी वीडियोस वायरल हुई उन्होंने पसंद की फिर मैंने लोगों को बहुत सारी टैग के हवाले से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की और यकीन जानी है कि ये यूट्यूब की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है ये एक नई दुनिया है मेरे लिए यकीन जाने जो मैं इतने साल ज़िंदगी के गुजार के आई हूँ वो एक अलग थे और जो मैंने यूट्यूब पर एक साल गुजारा है ये एक अलग है और बस फिर मेरा यह है कि मैं जो है इतनी वीडियोस बनाई अपना चैनल मैंने मोनेटाइज करवाया उसके बाद जो है मैंने वॉचिंग आर्ट्स कंप्लीट कैसे हुए कैसे जेन आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े आपने क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं अपनी वीडियोज़ के नीचे टैग्स वगैरह थम अपने आप अपनी मतलब हर चीज़ पे आपको हर चीज़ परफेक्ट रखनी पड़ती है जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए और प्लस आप भी पसंद आएँ और आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वो भी क्लियर हो वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर हो हर चीज़ को देखते हुए मतलब मैं यहाँ शा, शायद आप लोगों को बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी मुश्किल थी ये जर्नी और बस फिर फाइनली ऐसा हुआ कि यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ मैं पता नहीं कैसे पहुँच गई अब जो आप अंदाज़ा लगाएं कि अपना जो वॉचिंग आर्स कंप्लीट किए थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए उसके बाद जो है टेन डॉलर कंप्लीट करना पड़ता है देन आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद आपने मतलब एक प्रोसेस है लंबा और अब मेरा जो है वो बिल्कुल आखिरी प्रोसेस है वो है हंड्रेड डॉलर कंप्लीट करना और उस हंड्रेड डॉलर को कंप्लीट करने में आप यकीन जानिए कि मैं बस कभी कभार तो मेरी बस हो जाती है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं काम कर सकती यूट्यूब पे और मैं इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकती फिर भी गर्मी को देखते हुए दूसरी चीज़ों को देखते हुए मसरूफियात को देखते हुए कुछ अगर आपका दिमाग भी सेट ना हो एक जगह पे प्रॉपर आप फ्रेश ना हो तो वो चीज़ भी आपको परेशान करती है आपके काम में तो बस यहाँ जो है वो मेरा भी यही हाल है कि बस मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि बस मैं अपना लास्ट व्लॉग करूँ और ऐसा है कि भाई बहुत अच्छी जर्नी रही यूट्यूब पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स मुझे मिले और बस जो है मेरे वाकई में ये जो सब कुछ हुआ मेरे सारे जो सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े इतने अच्छे उन्होंने कमेंट्स किए हमेशा जो मुझे इंस्टा पे आके मेरी जो दोस्तें बनी हैं मतलब यहाँ यूट्यूब में के सफ़र में मुझे बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले हैं अगर थोड़े से बुरे भी हैं तो उनमें बहुत सारे जो हैं वो मुझे अच्छे भी मिले हैं तो ये है कि मैं इससे ज़्यादा मुझे लगता है अब मैं काम नहीं कर सकती हूँ और बस अब आप यकीन जानिए कि मुझे लग रहा है कि बस जैसे ही मेरे हंड्रेड डॉलर हो जाएंगे तो बस मेरा ये लास्ट व्लॉग भी आप लोगों के सामने आ जाएगा और बस फिर मैं छुट्टी लूँगी इजाज़त लूंगी और बस फिर मैं बहुत थक गई हूँ मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा और काम नहीं कर सकती तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि जो मैंने सोचा है अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही जो सामने मेरा रिजल्ट भी लेके आए तो अब जो है आखिरी मेरा सफ़र है हंड्रेड डॉलर की तरफ और बस जो है कुछ डॉलर ही रह गए हैं और इन वो भी एक दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ जो आप लोग ये सब सुन रहे हैं मेरी बात और आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा जो ये लास्ट ब्लॉग है और शायद मैं इसके बाद वीडियो वगैरह नहीं बनाऊं तो बिल्कुल आप लोग ये ग़लत समझ रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली भाई इतनी मेहनत मैंने कर ली है अब तो कमाने के दिन है तो हरगिज़ ये मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं है हाँ ये मेरा लास्ट ब्लॉग इस सेंस में है कि मैंने अपना जो फ़र्स्ट ब्लॉग डाला था वो 27 जुलाई को डाला था तो 27 जुलाई को मेरे पूरे पूरे जो हैं वो एक साल हो जाएगा और एक साल यूट्यूब का सफ़र जो है वो बहुत बहुत मुश्किल था और उसके साथ बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला अपनी ज़िंदगी में कि हाँ अगर मैं यकीन करें मैं अगर अपनी जगह सोचूं कि हमारे लिए लड़कियों के लिए थोड़ा सा YouTube पे मुश्किल है हाँ बन लड़कों के वो बहुत कुछ अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो बाहर जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहे कर सकते हैं हमारे लिए थोड़ा सा हाउसवाइफ के लिए स्पेशली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको घर मैनेज करना पड़ता है उनको बच्चे देखने पड़ते हैं उनको सारा तमाम जो है वो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपनी भी एक्टिविटी करनी पड़ती है और आपको अगर कोई शौक़ हो तो उस शौक़ को भी आपने ही पूरा करना है तो भाई बिल्कुल भी मेरा आखिरी ब्लॉग नहीं है ये मेरा साल कंप्लीट हुआ है तो मेरा लास्ट ब्लॉग जो है मैंने इस सेंस में कहा है कि इस साल का ये मेरा लास्ट ब्लॉग है तो मैं कहीं नहीं जाने वाली मैं तो यकीन करें अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी यूट्यूब पे चाहे मेरे लिए कुछ भी कोई भी कभी भी कैसे भी बोले क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ वहाँ तक कोई आम इंसान नहीं पहुँच सकता इसके पीछे मेरी बहुत बहुत मेहनत है तो बस जो है यहाँ पे मेरा खाना भी तैयार हो गया था और मेरा लास्ट व्लॉग ये बिल्कुल भी नहीं है मैं तो मेहनत करूंगी इससे ज़्यादा अभी तो मैंने काम सीखा है और जब काम आ जाता है तो आपको मज़ा आता है काम करने में तो अभी तो मैंने सीखा है काम और मैं अब कंटिन्यू ही काम करूँगी इन और अभी तो हंड्रेड डॉलर नहीं हुए हैं इन मैं थाउजेंड डॉलर भी कमा लूँगी और मेरी नीयत साफ़ है बाकी अल्लाह ताली बेहतर जानता है तो बस आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे लाइक कीजिए मुझे शेयर कीजिए और अगर आप लोग भी कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगी और आप लोग बताइएगा कि मेरा लास्ट व्लॉग इस साल का आपको कैसा लगा और यहाँ जो है देखते ही देखते मेरा तमाम काम जो कंप्लीट हो गया मैंने आटा गूंद लिया था और सालन वगैरह भी रेडी कर लिया था ये मेरा पंद्रह बीस मिनट में झटपट सालन जो है वो रेडी हो गया था और इसमें प्याज टमाटर भी बच्चों के मुंह में नहीं आते तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं प्लस ये कि अंडा भी मिल जाता है तो वो इतना ज़्यादा शोरबा होना चाहिए बाकी चिकन वग़ैरह कुछ भी हो उनको इतना अलहमद फ़र्क नहीं पड़ता बस वो कहते हैं बस शोरबा हो जो हम खा सकें तो बस यहाँ जो है मेरा खाना भी तैयार हो गया इसके बाद मैं जो है रोटी वग़ैरह दिखाऊंगी ऑयल मैंने खुद कम रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड डाइटिंग करते हैं तो इसलिए मैंने ऑयल भी कम रखा है ताकि वो भी खा लें उनके लिए मैं जौ की रोटी बनाती हूँ अपने लिए जो है मैं दूसरी वाली जो है दूसरी रोटी बनाती हूँ अच्छा यहाँ जो है मेरा सालन भी रेडी हो गया था मैंने बच्चों जैसे ही ट्यूशन से आए तो बस मैंने उनको बिठाया और बोला बस पहले तुम लोग खाना खा लो उसके बाद कहीं जाना क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे खेलते हैं छत पे चले जाते हैं तो ये खाना इनका रह जाता है फिर लेट हो जाता है तो बस यहाँ जो है खाना वगैरह भी कंप्लीट हो गया था तमाम काम मेरा कंप्लीट हो गया था बस मैं इनके साथ खाना वगैरह खा के ये साढ़े सात बजे का वक्त था छत पे जाऊँगी थोड़ी देर छत पे देखेंगे फिर मगरिब की जैसे ही नमाज होगी फिर हम नीचे आ जाएंगे तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग होपफुली आपने इंजॉय किया होगा अगर आज का मेरा व्लॉग इन्जॉय किया है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिएगा इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी तरह मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूट्यूब के हवाले से मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा यहाँ मेरा काम हो गया कम्प्लीट अल्लाह हाफिज़